स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के ऐसे 6 संकेत जिन्हें देखकर आप समझ सकते हो कि आपको डिलीवरी का समय आ चुका है या आपकी डिलीवरी होने वाली है। 6 सिम्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको डिलीवरी के 9वें महीने में पेट में दर्द होता है और ऐसा दर्द जो हर 10 मिनट में आ रहा है, हर 5 मिनट में आपको आ रहा है और कंटिन्यू आ रहा है, आराम करने पे, लेटने पे, रेस्ट करने पे भी यह बंद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको डिलीवरी वाले दर्द आ रहे हैं और आपकी जो संभावित तारीख दी हुई है उसके आगे या पीछे आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है 9वें महीने में। ओके, देन दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है या दबाव लगता है आपको, तो भी यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे का सिर होता है वो नीचे की ओर फिक्स होता है, तो आपको यहाँ पर प्रेशर, खिंचाव, दबाव या पेन लग सकता है। ओके, तो इसका मतलब भी यह होता है कि यह भी सिम्टम्स है कि आपकी डिलीवरी हो सकती है। देन उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखे, मतलब 9 मंथ के दौरान आपको ब्लीडिंग हो या फिर स्पॉटिंग दिखे, तो भी समझ जाना कि आपको यहाँ पर डिलीवरी वाले दर्द स्टार्ट हो सकते हैं या डिलीवरी होने की संभावना हो सकती है। क्या होता है, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे ओपन होता है, तो भी आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिख सकती है। या फिर इसके बाद बात करते हैं म्यूकस डिस्चार्ज, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या हल्का गाढ़ा चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप यह भी चेक कीजिए, या वाइट वाटर की तरह आपको डिस्चार्ज हो सकता है। इस तरीके के आपको डिस्चार्ज दिखे तो भी आप यह समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी पानी की थैली रप्चर हो जाती है या फूट जाती है, एकदम से आपकी पानी की थैली फूटती है, तो आपके जो भी नीचे कपड़े पहने हुए हैं वो सब गीले हो जाए, इतना सारा पानी जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पानी की थैली फूट चुकी है, जिसमें बेबी रहता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, जिसमें उसके चारों ओर जो आवरण होता है झिल्ली का वो फूट जाती है, तो एकदम से बहुत सारा पानी जाता है, तो इसका मतलब यह है कि यह पानी की थैली फूट चुकी है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाकर दिखाना है। इसके बाद बात करते हैं, 9 मंथ में अगर आपको बार बार यूरिन लग रही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बच्चे का सिर नीचे की ओर इंगेज हो रहा है, नीचे की ओर फिक्स हो रहा है, तो भी आपको बार बार बाथरूम लग सकती है, क्योंकि ब्लेडर पर प्रेशर पड़ता है, वहाँ स्पेस कम होने लगता है, जिसके कारण आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। ये कुछ लक्षण हैं, ये कुछ कारण हैं जिन्हें देखकर आपको हॉस्पिटल जाना है, और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। सबसे पहला, अगर आपके बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको दिन में मूवमेंट नोटिस करना है। सभी गर्भवती महिलाओं को मेरा एक कहना है कि आप लोग ये जरूर नोटिस करें कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, 10 बार, 12 बार काउंट करके रखिए। समझ नहीं आ रहा तो आप एक कॉपी पेन में नोट कीजिए कि हमारा बच्चा अभी इतने बजे हिला था, मूवमेंट किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मूवमेंट नोटिस नहीं करते तो कई बार स्टिल बर्थ, मृत बच्चा होने की संभावना हो जाती है, और होते हैं। हमने यहाँ पे ऐसे केसेस करवाए हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारा बच्चा कब से मूवमेंट नहीं कर रहा, तो आप लोग नोटिस करें इस चीज़ को, इससे शिशु मृत्यु दर को बचाया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। अगर आप लोग टाइम पर देख लें कि हमारा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो। अगर इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एकदम से फ्रेश ब्लीडिंग जा रही है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है तुरंत। इसके अलावा अगर पानी की थैली रप्चर हो चुकी है, तो भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाकर दिखाना है। ओके, ये कुछ सिम्टम्स है, ये अगर आपको दिखते हैं तो आप बिल्कुल तुरंत, या कहो ये भी समझ सकते हैं
कि ये इमरजेंसी लक्षण होते हैं जिन्हें अभी मैंने बताई शॉर्ट में, तो ये दिखते ही आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, एक बार अपना चेकअप करवाना है। ओके, सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। सो थैंक यू गाइस, राधे राधे।